Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर शुरू है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 10th स्टैंडर्ड एलजेब्रा महाराष्ट्र बोर्ड. सो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें अब यहाँ पे मैं एक पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको. जो हम लोगों का 1.2 जो प्रैक्टिस सेट था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका वीडियो मैंने अभी नहीं बनाया है, क्योंकि वो ग्राफिकली हम लोगों को शो करना है उसको, बराबर. तो ये जो है हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, बराबर. तो इसमें एक में एक सम होता है, तो मुझे 6 वीडियोस बनाने पड़ेंगे. तो मैं सोच रहा हूँ जब मैं बड़ा बोर्ड ले लूँगा तो एक एक बार में मैं 2 सम्स कर सकूँ, इसलिए अभी हम वो वीडियो नहीं बना रहे हैं. तो फ्रेंड्स, मैं अब आ जाता हूँ हमारे डिटर्मिनेंट वाला जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.3, वो मैं अब यहाँ पे इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ. क्रैमर्स रूल का जो है हम लोगों का अगले वीडियो में आएगा. तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. और फ्रेंड्स, साथ ही वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट का जो पार्ट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में. सो फ्रेंड्स, चलो तो हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, फटाफट हम बोर्ड से ही देखते हैं, समझते हैं क्या है डिटर्मिनेंट करके. तो इफ ए बी सी डी आर एनी 4 नंबर, कितने नंबर है, ए बी सी डी कोई भी 4 नंबर है, ऐसा यहां पे लिखा है. द वैल्यू ए डी माइनस बी सी इज रिप्रेजेंटेड एज, हाँ. अब देखो ये ए डी, अब क्या बोला है इसने, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, मतलब क्या हुआ गा? कि ए यहां पे लिखा है तो डी क्या होगा, उसके नीचे होगा, तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, बराबर. तो ए डी और बी सी है, तो ए बी सी डी ऐसा लिखना है हमको. तो ये कैसा है, ए बी सी डी, इस तरीके से लिखना है हम लोगों को. दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. इट हैज 2 रोज, इसको कितने रोज होते हैं, 2 रोज होते हैं, ठीक है, और 2 कॉलम होते हैं. तो इसके 2 रो कौन से है, तो ए बी और सी डी, इसके क्या है, 2 रो है. और कॉलम क्या है इसके, तो ए सी और बी डी, ठीक है. तो ये हम लोगों को समझ गया, ठीक है. अब ये किस तरीके से होगा हमारा, तो ए डी बी सी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, तो ए के क्रॉस में मतलब उसके सामने डी आना चाहिए और बी के सामने सी आना चाहिए. तो किस तरीके का हम लोगों का फॉर्मेशन होगा, वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, ए बी सी डी, बस सिंपल था ये. इसमें कितने 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, कौन से 2 रोज है, तो ए बी और सी डी, और कॉलम कौन से है, तो ए सी और बी डी. अब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब ये जो वैल्यू है ना डिटर्मिनेंट का, वो कैसे हम फॉर्म करते हैं, फाइंड करते हैं, तो ए डी ए इंटू डी या फिर ए डी माइनस बी सी, बस इस तरीके से. अब डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी डी इज 2, इसका डिग्री कितना होएगा, कभी भी 2 होएगा. चलो अब इसके हम सम्स को देखते हैं, तो क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर. अब ये क्या है, 3 के क्रॉस में क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, तो ये क्या आ रहा है, 5, तो मैंने यहां लिख दिया 5. और 4 यहां पे 2 इंटू 4, तो ये इंटू 4 किया हुआ है, मतलब ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा. अब 3 5 कितना होता है दोस्तों, 15 होता है, ठीक है ना. तो यहां पे 3 5 15 और 2 4 कितना होता है, 8 होता है, वो हम लोगों ने लिख दिया. अब 15 में से 8 चला गया, तो क्या बचा, 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आंसर आ रहा है हम लोगों को यहां पे, 7. तो क्या हो गया हम लोगों का आंसर, यहां पे 7 हो गया, ठीक है. तो चलो हम चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, तो क्या दिया हुआ है यहां पे, -1 7 2 और 4. तो किस तरीके से इसको करेंगे हम लोग, तो चलो फटाफट करते हैं हम लोग इसको. तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो यहां पे लिखूंगा -1 × 4, हाँ, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बीच में, क्या ये देखो, ये a इंटू डी माइनस बी सी, ठीक है. तो
अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, -7 × 2, तो क्या हुआ ये -1 × 4, मतलब ये हो गया हम लोगों का -4। बराबर यहाँ पे ये माइनस का साइन और ये कितना हो गया 7 × 2 सर कितना होता है भाई 14 होता है। माइनस माइनस क्या होएगा प्लस होएगा, बट हम लोगों को यहाँ पे माइनस का साइन लगाना कंपलसरी है, तो क्या हो जाएगा ये 14 + 4 हम लोगों का हो जाएगा 18। तो इस तरीके से ये हम लोगों का फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया और ये वीडियो भी बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो क्या है हम लोगों को अब यहाँ पे किस तरीके से करना है ये, तो 5 × 0, फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे -3 × -7। बराबर तो 5 × 0 सर कितना होता है 0, फिर यहाँ पे ये माइनस आया और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का -21। 3 × 7 सर कितना होता है दोस्तों 21, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है 21। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड सम की ओर, तो क्या है ये 7/3, 5/3, 3/2 और 1/2। तो चलो 7/3 को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, सॉरी अच्छे से लिखते हैं हम लोग इसको जरा। तो ये क्या है 7/3 × 1/2 माइनस ये हो गया AD × BC। बराबर तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 5/3 × 3/2। अब क्या आएगा अगले स्टेप में 7 × 7 और 3 × 2 सर क्या होता है भाई 6 होता है, -5 × 3 सर कितना हो गया 15 हो गया और 3 × 2 सर वापिस से क्या हो गया हम लोगों का 6 हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो हम लोग बिंदास तरीके से यहाँ पे माइनस कर सकते हैं क्योंकि एक बार कॉमन लिख दिया हम लोगों ने और अब इसको हम माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जरा समझो 15 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 8 बचेगा, बट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे -8 लिखना पड़ेगा। ठीक है देखो 7 + 7 कितना होता है 14, उसमें 1 बढ़ा दो तो 15 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया -8 आ गया है। -8 आ रहा है क्या, नहीं भाई ये क्या आ रहा है हम लोगों का फाइनल आंसर 6 कहाँ गया हम लोगों का, तो -8/6 इस तरीके से हम लोगों को इसको लिखना है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो डिटरमिनेंट का जो पार्ट था और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड था और क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 सम थे वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। बराबर डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट में क्या है ABCD कोई भी 4 नंबर होंगे। बराबर उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो AD − BC मतलब AD क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई है और BC भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, बीच में माइनस का साइन आएगा, तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, तो ABCD। बराबर तो ABCD यहाँ पे क्या है इसके 2 रोज है, कौन से 2 रोज है AB और CD और कॉलम क्या है AC और BD। बराबर बाकी तो हमको पता ही है इसका डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट कितना है ABCD का 2 है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।